दोस्तों एक आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। गुस्सा तो सबको लगा, हमको भी गुस्सा लगा, लेकिन आप लोगों ने शायद नहीं जानते हैं, उससे भी ज्यादा गुस्सा जानते हैं कब लगा, उससे भी ज्यादा गुस्सा लगा कि वो आर्मी का जवान हो या आम नागरिक हो, उससे ये मतलब नहीं है, कोई वो आम नागरिक ही हो, अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहा हो, अपने फैमिली के साथ जा रहा हो जिसमें बच्चे हो, उसकी बीवी हो, सब पूरा फैमिली हो, और शीशा जो बताया जा रहा है कि अब मैंने तो वीडियो में ही देखा है, बताया जा रहा है कि शीशा जो निकला हुआ उसी से कुंगनी में लगा है, जो बच्ची बता रही है छोटी सी, बोल रही है कि कुंगनी में लगा। देखिए क्या होता है, गाड़ी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं सब चीजें, ये जो शीशा होता है ना, शीशा का जो साइड में ऐसे निकला रहता है, इसको कोई ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी आदमी पैदल चलते रहते हिलाते हुए तो कभी कभी इससे लग जाता है, ज्यादा चोट भी नहीं लगा होगा क्योंकि उससे कितना चोट लगेगा आप लोग भी समझ सकते हैं। तो बात कहा सुनी को हो गई तो तुम्हें हो गया होगा, हम मानते हैं, तो झगड़ा लग उसका मैटर हुआ, तो आपको बोला भी दवा कराने के लिए, अगर नहीं दवा कराता तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते, उसके ऊपर जो धारा होगा धारा लगा सकते हैं। बाकी ये बताइए, ये जो दौड़ा दौड़ा के मारा गया, ये उसकी कितनी बदनामी होगी, कितना जब फैमिली के सामने किसी को दौड़ा के मारा जाता है, और आप ही लोग सोचिए अगर कहीं आपके साथ भी, आपके फैमिली के सामने कोई, आपके बच्चों के सामने, हर बाप एक अपने बच्चे के नज़र में हीरो बनना चाहता है, रहता भी है, अपने फैमिली के नज़र में, अपने परिवार के नज़र में हीरो रहता है। इस आदमी बाहर में कहीं एक आध झापड़ अगर मार भी खा जाता है तो बर्दाश्त करता है, चलो यार कौन देखा, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन उसको अब सोशल मीडिया पे भी लोग दौड़ा समझो, बहुत बेइज्जती हुआ उसका। और यहाँ तक कि सोचो कि ये एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी के जवान को जब तैयार किया जाता है ना, तो उससे झुकना, उसको इतना जुनूनी बनाया जाता है कि वो किसी का जवाब, वो आंखों में आंखें मिला के बात करना जानता है और जवाब देना जानता हो, जवाब का बदला जवाब, उसके अंदर डर नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रशासन के कुछ लोग, पुलिस वाले गाली से ही बात करते हैं, सबकी बात नहीं मैं करता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाली से ही बात करते हैं, तो गाली दिया होगा तो ये भी गाली दिया होगा, क्योंकि उसको बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि हर चीजों का जवाब वो दे चुके हैं, उसको जवाब देने के लिए तैयार किया जाता है, सभी लोग जानते हैं ये चीजें, सभी लोग जानते हैं कि उसको जब बनाया जाता है तो इतना स्ट्रांग बनाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि उसको कभी डर नाम की चीजें निकाल दी जाती है, और कभी डरने के लिए नहीं बनाया जाता है, जैसा जो बोले उसको वैसा जवाब दो, जो जैसा करे उसके वैसे सामने उससे बढ़ के जवाब दो। तो अगर आप सर हमको गाली देते हैं तो हम आपको वही गाली अगर दोहरा देते तो आपको बुरा लग जाता है, तो चलिए बुरा लग गया तो आप धारा लगा सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आप धारा लगाइए ना उसको। अगर सर आप अच्छे हैं, जो आप अगर अच्छे हैं, अगर आप सच्चे हैं तो आपको धारा लगाना चाहिए, जबकि दौड़ा दौड़ा के मारना नहीं चाहिए, ये गलत है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा गलत किया है, तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए ये तो पूरी पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई भी सरकारी आदमी हो या कोई भी आदमी इस तरह की हरकतें न करें, कि आपको ऐसी धारा लगाई जाए, ऐसा सजा सुनाए सरकार की, दोबारा कोई इस तरह का हरकत न करे। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इन लोगों को, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई ऐसा काम न करे। बाकी जय हिंद जय भारत।